नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और स्वागत है आपका हमारे चैनल एसटी आर्ट्स में। दोस्तों, आज की जो मूव मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसका नाम है चौकड़ी। और अगर आप इस मूव को पूरी तरह सीखना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप पूरा देखोगे तभी आपको पूरी तरह समझ में आएगा। और मैं अपने बारे में कुछ आपको बता देना चाहता हूँ। दोस्तों, आई एम ए बॉक्सिंग फाइटर, तो मैंने काफी साल से प्रैक्टिस किया ये मूव, इसलिए मैं अपने द्वारा दूसरों को सिखाना चाहता हूँ। तो बिना देर के ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बात, कुछ बेसिक एक्सरसाइज लेके चलने होंगी, जो तब, क्योंकि जब तक आप जेन्युइनली फील नहीं करोगे अपनी बॉडी को तब तक आप कुछ भी मूव कर नहीं पाओगे। इसी सबसे पहले बेसिक एक्सरसाइज वो आपको करनी होंगी। इस तरह से कोई भी एक्सरसाइज जो आप रेगुलेटिंग करते हो, इस तरह की बेसिक एक्सरसाइज करने के बाद तब आपको ये मूव करनी है, तब आसानी से आप कर पाओगे। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक लाठी की जरूरत होगी, और इस मूव का नाम बता देता हूँ मैं आपको। इस मूव का नाम है चौकड़ी। और किस तरह से मैं प्रॉपरली आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरह का आपको करना है। ओके, तो सबसे पहले आपको एक पोजीशन में खड़ा होना होगा। इस पोजीशन को बोलते हैं फाइटिंग पोजीशन। ओके, तो इस पोजीशन में आप जैसे खड़े हो, लाठी को इस तरह से पकड़ना है कि ये सिरा कम हो और ये ज्यादा हो, और जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे उस हिसाब से लाठी को पकड़ना। ओके, तो इस हिसाब से लाठी को पकड़ना है और इस तरह से मूव करते हुए यहाँ से, और इस तरह से मूव करते हुए यहाँ से। अब इसके साथ मुझे अपने कदम बदलने हैं, यहाँ से इस तरह से। इस तरह से थोड़ा मैं आपको दोबारा से बताता हूँ कि बिल्कुल इसमें चार कदमों को यूज होगा। फर्स्ट यहाँ पे, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। चार आप खाने बनाकर उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे पहले आपको करना होगा, क्या होगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हो इसकी। इस तरह से खड़ा होना है, ये क्रॉस में पैर रखना है और इस तरह से घूमना है। ओके, अब ये पैर क्रॉस में इस तरह से घूमना है। तो इस वे में ये लाठी पूरी तरह से प्रॉपर वर्किंग करेगी। ओके, एक बार दोबारा से बता देता हूँ। इस तरह से क्रॉसिंग में पैर रखना और इस तरह से घूमना है। अब ये पैर क्रॉसिंग में और इस तरह से घूमना है। तो इस तरह से आपको ये मूव करनी है। अब मैं लाठी के साथ बता देता हूँ आपको। इस तरह से आप खड़े हो गए, यहाँ से लाठी को मूव करना है। ओके, और फिर यहाँ से इस तरह से, अब इस तरह से लाठी को आते ही इस तरह से मूव करना। ओके, इस तरह से रोक दीजिए जा। अब एक बार दोबारा से फिर से मैं आपको बता देता हूँ। खड़ा इस पोजीशन में होना है, इस पोजीशन में यहाँ से लाठी को मूव करते हुए इस तरह से, और फिर यहाँ से। अब जब लाठी इस साइड आएगी तभी हमें पैंट का इस्तेमाल करना है, इस तरह से, इस तरह से। ओके, फिर जब इस साइड आएगी तब इस तरह से। ओके, तो इसमें बेसिकली चार कदम यूज होंगे हमें। तो अब आपको करना क्या होगा, धीरे धीरे इसकी स्पीड इंक्रीज करनी होगी, क्योंकि बेसिक तो आप समझ चुके हो। तो आपको इसकी धीरे 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 स्पीड इंक्रीज करो। ओके, इस तरह से पोजिशन वही रहेगी, इस तरह से लाठी को मूव करते हुए यहाँ। ओके, इस तरह से, तो धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज करते जाओगे। बहुत हाई स्पीड में ये मूव चलती है। इस तरह से आपको स्पीड इंक्रीज करनी है धीरे धीरे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे। ज्यादा टाइम की मूव नहीं है, 4-5 दिन प्रैक्टिस करोगे उसी में आ जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, कि बेसिक आपको आना चाहिए। ओके, तो एक बार और बता देता हूँ मैं आपको। खड़ा इस तरह से होना है, और यहाँ से इस साइड से मैं बता देता हूँ प्रॉपरली। यहाँ से धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज करनी है। दोस्तों, ये था आज का ट्यूटोरियल। आई होप ये आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आपको आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब आपकी इच्छा के ऊपर। अगर सब्सक्राइब करना है तो, अगर आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ना है और सीखना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और
ना, अब मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।